कि हमारे पास बहुत क्वेश्चन आता है कि इंडियन फूड मिलता है क्या आपको कनाडा में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ दो वर्ड बोलूंगा, छोले भटूरे। तो यार अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो टाइम से, आपको पता होगा हम हर वीडियो में इंस्टाग्राम पे हर जगह छोले भटूरे छोले भटूरे छोले भटूरे का राग गाते रहते हैं, जाप गाते रहते हैं। उसका रीजन यही है यार, दिल्ली से हम, राइट, हमने दिल्ली के छोले भटूरे खाए हुए हैं। और कई लोग हमसे बहस करते हैं कि क्या हो गया दिल्ली के छोले भटूरे खाए हैं, ये थोड़ी है दिल्ली के अलावा कहीं और मिल ही नहीं सकते। अब इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बिकॉज अगर मैं बात करूँ मुंबई की, सो वड़ा पाव मुंबई में बेस्ट मिलेगा, राइट। मनप्रीत गुजरात में रही हुई है, गुजरात में क्या बेस्ट मिलेगा जो और कहीं नहीं मिलेगा, ढोकला गुजरात मिलेगा। साउथ इंडियन आप ऑथेंटिक खाना है, आपको अच्छा परफेक्ट वाला खाना है तो आपको साउथ में मिलेगा। सो ऐसे ही दिल्ली के छोले भटूरे दिल्ली में ही मिलते हैं, ऑथेंटिक मेनली, कितना ज्यादा ऑथेंटिक होगा, ऑथेंटिक एज इन वो टेस्ट, वो परफेक्ट वाला टेस्ट। सो वही हम इतने टाइम से इंडिया से यहाँ पे जब मूव किए कनाडा में, तो हम सर्च करते रहते थे पैंडेमिक से पहले, उससे पहले हमारी सर्च जारी थी, सर्च पे हमारी रोक लग गई बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। बट उससे पहले जो भी हमें कहीं भी बोल रहा था ना, कोई बोल रहा था क्वालिटी चले जाओ, कैलाश पर्वत के खा लो जाके, राजधानी हमने ट्राई कर लिया, मुगल महल ट्राई कर लिया, और हम इतने मतलब परेशान हो चुके थे कि किसी ने हमें बोला उडुपी के ट्राई कर लो, उसके अच्छे थे, हम उडुपी चले गए। मतलब इतना भी हमने सोचा कि वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं, अब उनके भी अच्छे होंगे, किसी को अच्छे लगते होंगे। बट अगर आपने कनाडा का नायगरा फॉल देख लिया है तो आपको यूएस का नायगरा फॉल पसंद नहीं आएगा। अगर कोई यूएस की साइड से सबसे पहले नायगरा फॉल देखेगा उसे पसंद आएगा, राइट। बट अगर किसी ने पहले कनाडा साइड का देख लिया उसे यूएस साइड का पसंद नहीं आएगा। तो एनालॉजी समझ रहे हो, क्रोनोलॉजी है बेसिकली, क्रोनोलॉजी घुसेड़ दिया। तो यही रीजन है कि हम उसी सर्च में लगे हुए हैं और आज हम आए हैं इस पे। ये भी हमें बहुत लोगों ने अब सजेस्ट किया है, रेस्टोरेंट का नाम है भाईस इंडियन कैंटीन और इनका पैटियो भी है, तो वो हम ट्राई करेंगे। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं यार मेरे को भी पसंद है छोले भटूरे, मैं छोले भटूरे का उसको फैन मानूंगा, डाई हार्ड फैन, जो सिर्फ छोले भटूरे को देख के, अगर टीवी में भी आ रहे हैं ना, मैं टीवी में अगर देख रहा हूँ ना छोले भटूरे, तो मैं उसका छोले का टेक्सचर देख के और भटूरे का टेक्सचर देख के, ये कोई बहुत बड़ी कोई स्किल नहीं है मेरे पास लेकिन मैं देख के बहुत अंदाजा करेक्ट लगा सकता हूँ कि इसका टेस्ट कैसे होगा। जो छोले भटूरे डाई हार्ट फैन है ना, वो भटूरा छोले देख के बता देगा इसका टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि आपने 50 तरीके के खाए हुए इंडिया में। और दूसरी चीज, छोले भटूरे में सबसे ज्यादा टेस्टी बनाता है छोले भटूरे का, वो बनाता है छोले। छोले बहुत जरूरी है स्वाद होने, भटूरे तो बहुत लोग घर पे बन जाते हैं, राइट। वो परात वाले काले छोले, वो जो मिलते हैं नागपाल में, सीताराम, आनंद के, और कितनी जगह है दिल्ली में फेमस, वहां के जो छोले मिलते हैं वो होते हैं परफेक्ट वाले छोले। तो थोड़ा बहुत भटूरा इधर उधर भी चलेगा ना, क्योंकि हमने जितने भी जगह ट्राई किया ना, कैलाश पर्वत में हमें परफेक्ट भटूरे मिल गए थे, राइट, भटूरे उनके परफेक्ट थे, बट छोले वही वाला टेस्ट नहीं था जो क्वालिटी में मिले थे हमें, क्वालिटी में, हाँ हमें भटूरे परफेक्ट मिल गए थे, बट वही छोले नहीं मिले थे। कहीं पे छोले छोले और पूरी होता है, कहीं पे चना और पूरी होता है, छोले भटूरे नहीं, छोले वो परात वाले जो होते हैं ना, काले वाले, मतलब जो सोच रहे होंगे जिनको छोले भटूरे के में इंटरेस्ट नहीं, वो कह रहे होंगे क्या बकवास कर रहे हैं ये, लेकिन जो छोले भटूरे का फैन होगा, जो छोले भटूरे का फैन होगा, वो कहेगा वाह यार कितनी नॉलेज वाली बातें हो रही है, ये बिल्कुल साइंटिस्ट लेवल की बातें हो रही है। हरमीत ना इसमें पीएचडी करने वाले हैं, बस हो गया, उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, सीरियसली इससे अच्छा सीख लो बनाने। और थर्ड थिंग, जो थर्ड आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप छोले भटूरे के डाई हार्ट फैन हो, कि आपने बुद्ध बाजार के छोले भटूरे खाए हैं कि नहीं खाए हैं, खड़े होके वहां पे, क्योंकि कई लोगों को शर्म आती थी कि मैं बुद्ध बाजार में छोले भटूरे सबके साथ बैठ के, वहां पे रिक्शा वाले भी होते हैं, सब होते हैं, मतलब हर टाइप के बंदे होते हैं, उनके साथ मैं खड़े होकर खाऊंगा। अगर आपने नहीं खाया तो आप फिर अब डाई हार्ट फैन नहीं हो, बिकॉज वो देख रहे हो क्या उसका स्केल है, कि आपने बुद्ध बाजार वाले या शनि बाजार वाले भी छोले भटूरे खाए हैं और आपने सीताराम के और गोपाल जी के, आनंद के भी छोले भटूरे खाए हैं, नागपाल के भी खाए हैं, तो वो सब आपने नहीं ट्राई करी, आपको पता नहीं है कि क्या टेस्ट है बुद्ध बाजार के छोले भटूरे का। तो ये तीन स्किल्स आपके पास होने चाहिए अगर आप डाई हार्ट फैन हो। छोले भटूरे इज नॉट अ फूड, इट इज अ इमोशन, दिख रहे हो इमोशंस, दिख रहे हैं ये इमोशंस है, इमोशंस है यार। और मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि जो चीज आपको इजीली नहीं मिलती ना, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। सही बात है, ठीक है। तो जैसे समोसे नहीं मिलते थे, या फिर आपको पता है कि जो मेरे हेयर क्रीम है ब्रैम्पटन में ही मिलती है, तो उसकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है ना कि 5-6 उठा के ले आता हूँ एक बार में, अगर वो इजिली मिल रही होती तो उसकी वैल्यू नहीं होती। लाइफ में भी ऐसी बनो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो, अपना टाइम कॉम्प्रोमाइज करके दूसरे के लिए अवेलेबल हो गए तो पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। छोले भटूरे के साथ मैंने लाइफ ज्ञान भी दे दिया।
थीसिस लिख दिए पूरी छोले भटूरे में। तो आई होप कि यार अब यहाँ पे आए हमें अच्छा मिल जाए और इसके बाद हम ट्रिप पे जा रहे हैं। इसका हमने बहुत रिव्यूज भी पढ़े हैं और रिव्यूज पढ़ के जाओ अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, रिव्यू लेकिन इंडियन के पढ़ो, अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हो इंडियंस के पढ़ो। हाँ, राइट, क्योंकि तो, गोरों को तो सब पसंद आ जाए। हाँ, उनको तो अरे छोले भटूरे दिस इज सो नाइस, बटर चिकन, मतलब जहाँ बिल्कुल ब्लैंड होता है वहाँ भी उनके अच्छे रिव्यूज होते हैं, तो ठीक है उनके लिए मे बी दैट इज द बेस्ट, बट हमें पता है ना टेस्ट कैसा होता है। बट अब बहुत भूख भी लगी है, चलते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहोगे मेरे छोले भटूरे के ज्ञान में? नहीं, अब इससे ये आपका क्रैश कोर्स हो गया छोले भटूरे पे, इससे ज्यादा नॉलेज आपको कोई नहीं दे सकता। जब भी आप छोले भटूरे खाओगे आपको हरमीत की शक्ल दिखेगी। हाँ, छोले भटूरे में उसकी नजर आएगी, पेट में तो मेरे भटूरे नजर आते हैं, अब अपने भटूरे में भी शक्ल मेरी नजर आएगी। चलो लेट्स गो। सबसे पहले एंटर करते ही स्कैन करके कोविड स्क्रीनिंग करनी थी, फिर उसके बाद हमें सीट मिल गई थी बिकॉज हम जल्दी चले गए थे, बट हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से आए हमारा ऑर्डर लें। बट उन्होंने लकीली हमें पहचान लिया और उन्होंने बोला कि आप व्लॉग्स बनाते हो, हम आपके व्लॉग्स बहुत पसंद करते हैं, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमें अपनी स्पेशल मैंगो लस्सी ला के दी जो कि अमेजिंग थी। और मनप्रीत की तरफ से भी थम्स अप आएगा बिकॉज उससे पहले इससे ढक्कन ही नहीं खुल रहा था, ये इतना ट्राई करी ढक्कन खोलने का। फाइनली ढक्कन इससे खुला और लकीली इसने भी फिर ट्राई किया और मनप्रीत तरफ से भी थम्स अप आएगा। और बस अब हम वेट करने लगे छोले भटूरे का जो कि नेक्स्ट शॉट में आपको दिखेंगे। अगर भूख लग जाए आपको तो आई एम सॉरी। चेहरे पे खुशी देख रहे हो? 6 महीने बाद जब बंदा अपनी पसंद के छोले भटूरे खाता है यही खुशी होती है। और मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बाइट ले लिया था लेकिन बनता है, इस टाइम तो कोई परवाह नहीं करूँगा। और छोले ऑसम लग रहे थे, भटूरे ऑसम लग रहे थे एंड मनप्रीत की तरफ से थम्स अप आ गया और मैंने भी फर्स्ट बाइट जब ली मुझे पता चल गया कि ये ऑसम वाले छोले भटूरे हैं। वो लेवल के चाहे ना हो लेकिन इट्स लाइक 9 out of 10। और मेरे को खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली जब वो मेरी पसंद का और स्वाद खाना हो। तो मैंने एक भी दाना नहीं छोड़ा। अब मन भी ट्राई कर रही थी कि इस तरह मैं फिनिश करूं, लगा था कि कुछ छोड़ेगी और मैं खा लूँगा, बट वो सारा खा गई। एंड अगेन जो रेस्टोरेंट ओनर्स थे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमें स्वीट्स ला के दी, इतना अच्छा लगा हमें। रसमलाई मेरी फेवरेट है तो रसमलाई खा के तो अमेजिंग फील होता है। और गाजर का हलवा उन्होंने सेकेंड डिज़र्ट ला के दिया, रसमलाई खा के छोले भटूरे के ऊपर मज़ा ही आ गया। अमेजिंग थी बिकॉज रसमलाई भी हर जगह अच्छी नहीं मिलती है एंड मनप्रीत को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तब भी गाजर का हलवा उसे पसंद आया था, गाजर का हलवा भी बिल्कुल परफेक्ट था। बैठा भी नहीं जा रहा भाई, इतना ज़्यादा खा लिया। बट आपको पूरा एक्सपीरियंस बता देते हैं, बहुत ऑसम रहा। पैटियो है सबसे अच्छी बात इनकी और अभी पैटियो से ही ओपन है एंड आई वुड से सर्विस वाज फैंटास्टिक। सबसे ज़्यादा मैं 5 स्टार दूंगा सर्विस के लिए। जैसे ही हम अंदर गए उन्होंने पहचान लिया था, तो मैंने बोला कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप व्लॉग बनाओ, हम आपके ऑलरेडी वीडियोज़ देखते हैं। एंड उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री सबसे पहले हमें लस्सी ला के दी, मैंगो लस्सी, दैट वॉज अमेजिंग। और छोले भटूरे आपने देख ही लिए, छोले भटूरे की शक्ल देख के आप डाई हार्ट फैन हो तो आपने छोले भटूरे की शक्ल देख के बता दिया होगा कि भटूरे का क्या टेस्ट आ रहा होगा और छोले का क्या टेस्ट आ रहा होगा। सो ऑसम थे आई वुड से, अभी तक के कनाडा में सबसे बेस्ट यही है। कंपेयर टू अगर मैं करूँ नागपाल आनंद और वो लेवल नहीं है, बट इट्स वेरी क्लोज, इट्स दैट मच क्लोज कि कनाडा के में सबसे बेस्ट अभी तक यही के है। अगर छोले भटूरे हम खाने आएंगे तो यही आएंगे। ऑल्दो ये 1.5 घंटा दूर है हमारे घर से, हम 1.5 घंटा ट्रैवल करके आए हैं, तो आपने देख ही लिया होगा। उसके साथ प्याज भी था, नींबू का अचार था, गाजर का अचार जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है छोले भटूरे में। ऑल यू डाई हार्ट फैंस ऑफ छोले भटूरे यू नो कि कितनी इंपॉर्टेंस है गाजर के अचार की छोले भटूरे में। और उस रायता भी था, रायता वाज अमेजिंग, छोटी छोटे उसमें बॉक्स में था बट इट वाज अमेजिंग। सर्विस अगेन आई वुड से 5 स्टार दूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ ना यहाँ के रेस्टोरेंट को यूएस के रेस्टोरेंट से तो सर्विस में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे इतना ज्यादा सर्विस, क्या आप सर्विस बोलोगे, क्या सर्विस, 3-4 बार आपके डेस्क पे आएंगे, आपके टेबल पे आके पूछेंगे कि हाउ इज द फूड, डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड समथिंग एल्स। ये चीज यहाँ पे उतनी कम होती है कनाडा में, यूएस में बहुत ज्यादा होती है सर्विस,
बिकॉज वहाँ पे टिप का कल्चर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कैनेडा, वहाँ पे बहुत ज्यादा है. तो एरिया एरिया का फर्क होगा आई डोंट नो, बट ये जीटी एरिया में अगर मैं कंपेयर करूँ जहाँ पे मैंने ट्रेवल किया था आर्कनसॉ शिकागो एंड ऑल, बहुत ज्यादा है वहाँ पे. सो यहाँ की सर्विस टॉप नॉच है, अभी तक के जितने भी मैं इंडियन रेस्टोरेंट में गया हूँ सर्विस मैं बोलूंगा टॉप नॉच है. और ये नहीं कि सिर्फ हमें ही दे रहे थे सर्विस, क्योंकि हमें पहचान लिया था, सबको सेम सर्विस मिल रही थी टेबल पे, सबके जाके वो बार बार पूछ रहे थे कि हाउ इज द फूड. मैंने छोले भटूरे का आपको बता ही दिया एंड उसके बाद उन्होंने आपने देख ही लिया होगा स्वीट डिश भी कॉम्प्लीमेंट्री दी. सो थैंक यू सो मच. मैं यही बोलूंगा कि एक बार जरूर आओ क्योंकि पैटी ओपन है और छोले भटूरे खाने हैं तो जगह जगह के आपके आसपास से वहां भी ट्राई कर लो. बट मैं अगर बोलूंगा कि अभी तक जितने भी मैंने जगह ट्राई किया, जो भी मैं आपको लिस्ट बताई थी, वो अभी तक ये टॉप पे है. और बिल मेरे पास है, आई डोंट थिंक इट वॉज कॉस्टली एज वेल, हाँ. छोले भटूरे 23-24 डॉलर दो प्लेट थी और मनप्रीत अपनी प्लेट पूरी चट कर गई, मतलब मनप्रीत दो भटूरे कभी खाते नहीं है, दोनों भटूरे खा गई. और हमने नूडल्स एंड मोमोज भी टेक अवे लिए हैं बिकॉज हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो ट्रैवल के ब्लॉग्स है तो इससे पहले आ गए होंगे, इसके बाद आ जाएंगे. तो वहीं जा रहे हैं हम जो अपने बीच पे कॉटेज लिया है. नूडल्स का और मोमोज का रिव्यू आपको उस वीडियो में मिल ही जाएगा. सो अगेन आई वुड से सही रहा एक्सपीरियंस. अब लास्ट जो हमारा ट्राई करने का रहता है, बिकॉज ये सारी लिस्ट तो हमें लोगों ने दी थी फ्रेंड्स ने कि यहाँ यहाँ जाके ट्राई करो, क्योंकि जब मेरे आंखों में आंसू देखते थे ना कि छोले भटूरे नहीं मिल रहे, वो कहते थे इसकी हेल्प करो, बच्चे की हेल्प करो, तो वो मेरे को लिस्ट देते थे कि यहाँ जाओ यहाँ जाओ. अब एक लिस्ट में बचा है, वो है मोती महल, वो है जिराट स्ट्रीट पे डाउनटाउन टोरंटो में, तो वो रह गया है. बट आई डोंट थिंक कि वो इससे बेटर होगा, बट फिर भी जाके देखें, क्या पता उसके छोले इससे बेटर हो. और अगर वहां पे भी नहीं मिले तो हम टिकट करा रहे हैं इंडिया की, हम आ रहे हैं पहली फ्लाइट पकड़ के, हम दिल्ली आ रहे हैं पहली फुर्सत में, पहली फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं और नागपाल के जाएंगे, छोले भटूरे खा के आएंगे. हम घर वालों से नहीं मिलेंगे, घर वाले वीडियो देखेंगे गाली निकालेंगे कि साले हमसे नहीं मिलने आ रहे, तुम छोले भटूरे खाने आ रहे हो. बट ऐसा कुछ होता नहीं है. ऑन अ सीरियस नोट, जब आप इंडिया जाते हो ना आपका टाइम नहीं बचता, आप लिस्ट बना के जाते हो कि मुझे ये करना है ये करना है, वो कुछ भी नहीं कर पाते हो. हम लिस्ट में बहुत सारे आइटम डाल के लेके गए थे 2 साल पहले जब हम इंडिया में गए थे, इतना सब बिजी होता है ना वहाँ पे, कुछ कर ही नहीं पाए थे हम. एक बार ही मैं भी नहीं गई, खाली हरमीत अकेले गए थे, एक बार नागपाल गए थे. मैंने कहा तुम्हें रोज जाना चाहिए था, तुमने इतना शोर मचाया हुआ था, टाइम नहीं मिलता था वहाँ पे. सीरियसली इतना बिजी होता ना शेड्यूल जब भी जाओ. इस पे अब लोग बोलेंगे साले तू पतला कैसे होगा जब तू छोले भटूरे खा रहा है, तू समोसे खा रहे हैं. भाई हमारा फंडा सिंपल है, हम वीकडे पे कुछ नहीं खाते और वीकेंड पे हम कुछ नहीं छोड़ते. तो इट इज स्टिल बेटर. आप लोग कहेंगे तुम बैलेंस कर लेते हो वीकेंड पे जंक खा के, बट इट इज स्टिल बेटर कि आप 7 दिन जंक खा रहे हो, उससे बेटर ये ना कि आप 5 दिन हेल्दी खा रहे हो, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो और 2 दिन सिर्फ 2 दिन आपको जो भी जंक खाने का मन करता है, लेट से मैगी खाने का मन करा, रसमलाई, और रसमलाई से मुझे याद आया इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमें स्वीट दी थी रसमलाई गाजर का हलवा. रसमलाई मेरी फेवरेट है तो मुझे पता है उसका क्या टेस्ट होना चाहिए. रसमलाई वॉज बेस्ट, दैट वॉज बॉम्ब. पेड प्रमोशन तो है नहीं है हम, बट अभी अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो वही है टॉप पे अभी जीटीएम स्पेशली. मैं वैनकूवर नहीं बोल रहा बिकॉज वैनकूवर में लोगों ने बहुत बोला कि वहां पे अच्छे मिलते हैं बहुत छोले भटूरे, तो जब वहाँ जाएंगे ट्राई करेंगे. अभी मैं जीटीए की बात कर रहा हूँ, जीटीए टोरंटो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बेस्ट यही है, ट्राई कर लेने. एंड मे बी जिन्होंने इंडिया में या दिल्ली में नहीं खाए हुए उनको सब जगह के अच्छे लगेंगे, तो वी आर नॉट सेइंग के वहाँ के बुरे हैं, बट हाँ जो टेस्ट हमें चाहिए वो आई थिंक बहुत क्लोज यहाँ वाले से है. बट वी स्टिल हैव वन मोर ऑप्शन, सो लेट्स सी वहाँ पे कैसा होता है. और Q&A का टाइम नहीं मिलेगा, बहुत लंबा ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, बट हम सिर्फ ये बता देंगे कि हमारे पास बहुत क्वेश्चन आता है कि इंडियन फूड मिलता है क्या आपको कनाडा में. सो सब मिलता है, कुछ कुछ चीजें जो आपको नहीं एग्जैक्टली टेस्ट वाली नहीं मिलेगी बट मोस्टली आपको मिल जाएंगी कंपेयर टू यूएस. यूएस में आप तरस जाओगे अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी नहीं है ना, तो वहाँ पे आप तरस जाओगे कि आपको बटर चिकन अच्छा मिल जाए, आपको डोसा अच्छा मिल जाए. बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे इंडियन फूड फाइंड करना. अगर आप जा रहे हो न्यू जर्सी और ऐसी जहाँ पे ज्यादा इंडियन कम्युनिटी है तो मिल जाएगा, बट यहाँ पे ये बेनिफिट है ना जीटीए में वैनकूवर, यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी इतनी ज्यादा है कि आपको मिल जाता है हर तरह का फूड मिल जाता है. जैसे हमें साउथ इंडियन भी बहुत अच्छा मिल गया था, राइट, ये अच्छी बात है. छोले भटूरे आप हर किसी के पसंद नहीं होते ना, हर किसी को, एवरीवन इज नॉट फॉन्ड ऑफ छोले भटूरे, तो जिसको है वो ही तरसेगा और वो भी वो लेवल वाला जो हमें लेवल चाहिए. अदरवाइज तो मिल ही रहे ना, छोले भटूरे भी मिल रहे हैं, मोमोस भी, मोमोस तक मिल रहे हैं, तंदूरी मोमोस तक मिल रहे हैं, हर चीज मिल रही है. तो फूड वाइज आई से कि कनाडा में मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, अनलेस यू आर लिविंग इन सबर्ब और ऐसी जगह पे जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी नहीं है. सो फिर तो आपको घर पे बनाना सीखना पड़ेगा. सो यही था आज का खाओ पियो सा व्लॉग था, और इससे अगर आपको भूख लगी हो तो खाना खा लो. वीडियो देख के मजा आया तो लाइक कमेंट जरूर कर देना. और अब ट्रैवल वीडियोस आने वाले हैं क्योंकि अब हम स्टार्ट कर दिया ट्रैवल करना, अभी जा रहे हैं. तो ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा तो लाइक कमेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. और उससे पहले हमें कॉफी पीनी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि ड्राइव करना है. चलो स्टे सेफ एंड स्टिक अराउंड.